Sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @therakucrispies123. There I share the live updates of what I do and what I eat. मेरे साथ हर बारी की तरह एक सैड सी चीज़ हुई। मैंने लाइफ काउंटर से काठी रोल ऑर्डर किया था, आने में टाइम लगा था तो मैं स्नैक्स नहीं ला रही थी ये सोच के कि ये पहले आएगा, और फिर ना दोनों चीज़ें साथ में आ गई बेसिकली। पर चलो कोई बात नहीं, अब दोनों चीज़ें ट्राई कर लूँगी साथ में, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि ठंडा हो कुछ भी। दिस इज़ द वेज काठी रैप, यहाँ पे नॉन वेज का भी ऑप्शन होता है। इसके अंदर पनीर की स्टफिंग डाल रखी है इन्होंने और हरी चटनी से पेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी सा पराठा है इनका, और ना इसके अंदर बहुत स्पाइसी स्टफिंग है पनीर की और बेल पेपर्स की, थोड़े से अनियंस भी डाल रखे इन्होंने सॉटे करके। मज़ा आ गया। मैं इसे बोलती कि स्ट्रीट स्टाइल है, मगर मैंने स्ट्रीट पे कभी पनीर काठी रैप खाया नहीं है तो मेरे को पता नहीं, बिकॉज़ यूजुअली वेज और नॉन वेज एक साथ मिल रहा होता है ना काठी रैप शॉप पे, इसलिए नहीं खाया। बट यार दिस वन इज़ गुड। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पनीर भुर्जी, मगर पनीर भुर्जी में तो मैश हुआ हुआ पनीर होता है ना, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में डला हुआ है, और अनियन के अंदर और बेल पेपर्स में ना परफेक्ट बाइट है, मशी नहीं हो गए हैं वो। दिस रैप इज़ टू गुड। अब बाकी चीज़ें ट्राई करूँगी मैं, और ये है स्पिनच कॉर्न एंड चीज़ नगेट, एकदम गर्म गर्म बन के आए थे वहाँ पे, इसलिए क्रिस्पी है। ऐसा नहीं है कि बुफे काउंटर का स्नैक है तो सॉगी होगा, तो इसे ट्राई करेंगे। अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी लग रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर है इसमें बिकॉज ऑफ पालक। हरी चटनी से ट्राई कर रही हूँ। इट इज़ रियली यम्मी। इसके अंदर ना इन्होंने मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रखी है, पटेटोस ज़्यादा पता नहीं लग रहे हैं, शायद बहुत कम से डाले होंगे इन्होंने, और कॉर्न भी मिला नहीं। मेनली इसके अंदर ना स्पिनच का फ्लेवर है और चीज़ का, सो अगर इट्स अ नाइस स्नैक। बाहर से एकदम क्रंची है बिकॉज ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हुई हुई है इस पर। एकदम सोया चिली गोभी, बेसिकली ये चिली कॉलीफ्लावर है जो कि मेरी फेवरेट डिश है, तो अब इसे ट्राई करेंगे। इनका चाइनीज़ फूड ना बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, विच इज़ अ गुड थिंग, तो अच्छा ही लगना चाहिए ये। बहुत यम्मी स्टार्टर है ये, गोभी अंदर से ना अच्छे से पकी हुई है और बाहर से क्रिस्पी है, टैंगी बिल्कुल नहीं है, ये हल्का सा स्पाइसी है। आप ना इसे नूडल्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। नॉनवेज में वहाँ पे चिली चिकन और पनीर टिक्का की जगह वहाँ पे चिकन टिक्का का ऑप्शन था। बहुत ही अच्छा सा कलर है पनीर टिक्का का, आई गेस इन्होंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रखी होगी। हरी चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना रही हूँ।
पनीर टिक्का सुपर सॉफ्ट और बाहर से एकदम स्पाइसी है। होटल्स का पनीर टिक्का ना यूजुअली ब्लैंड होता है, मगर यहाँ का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम चटपटा है, तीखा है, मज़ा आ गया खा के। पनीर टिक्का काफ़ी अच्छा है, मगर हाँ इसके अंदर ना इन्होंने बेल पेपर और अनियन नहीं डाला, तो अगर आपको चाहिए आप वो सैलेड सेक्शन से ला के इसमें ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, मगर बेस्ट था ये कॉर्न एंड चीज़ नगेट, और सेकंड नंबर पे थी ये चिली गोभी। नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट यू विद द इंडियन मेन कोर्स, या फिर वेस्टर्न मेन्स भी ला सकती हूँ मैं इसके बाद, देखती हूँ क्या मन करता है। नाउ आई ट्राई द फूड फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्शन, और यहाँ पे है बटर चिली नूडल्स, काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे तो मैं ले आई, और साइड में है बेक्ड वेजिटेबल्स, दिस इज़ द मैक्सिकन बेबी एक्सप्लांट, यहाँ पे मिक्स सॉस पास्ता, इसका नाम था पास्ता एंड डुएट सॉस, बेसिकली वही बात है, मतलब रेड सॉस और वाइट सॉस को मिक्स करके बना रखा है इन्होंने। और ना इसके अंदर पास्ता भी दो टाइप का है, नहीं एक्चुअली तीन टाइप का है, पेने, एल्बो और फार्फले, ऊपर से इन्होंने बहुत सारा पार्सली डाला हुआ है। हेयर आर द हांगकॉन्ग स्टाइल वेजिटेबल्स, जिसे मैं पेयर करूँगी नूडल्स के साथ। यहाँ पे फ्राइड राइस भी है, जो कि मेरे फेवरेट नहीं है इसलिए मैं बहुत थोड़े से लाई हूँ, इसका नाम था पिंटो फ्राइड राइस, आई डोंट नो मतलब क्या होते हैं बेसिकली। इसके अंदर बहुत सारी सॉसेस तो नहीं दिख रहे हैं, जस्ट वेजीज लग रहे हैं, तो हाँ ले आई मैं इसे भी, तो वन बाय वन सब कुछ ट्राई करूँगी। दिस डिश इज़ रियली गुड, अच्छा सा बाइट आ रहा है वेजीज में, और ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है, मशरूम के ऊपर तो चीज़ का एक मोटा सा लेयर भी जम गया था, मोज़रेला चीज़ इन्होंने ऊपर से डाली है, और इसके अंदर भी इन्होंने आई गेस प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर रखा है। तो अगर ये डिश भी अच्छी लगी मुझे, पास्ता से बेटर थी। नाउ आई ट्राई द मैक्सिकन एग्प्लांट, मेरे को लग रहा है ये ना स्पाइसी नहीं होगा बिल्कुल भी, और टैंगी होगा। गलत लगा था मुझे, दिस थिंग इज़ क्वाइट स्पाइसी, अच्छा लग रहा है, टैंगीनेस भी सही लग रही है, मतलब मीठा नहीं लग रहा है। इन्होंने एग प्लांट को पहले तो पैन फ्राई किया और फिर टमाटो सॉस में टॉस कर रखा है। तो गाइस इट्स अ नाइस डिश, बहुत सारी तो नहीं खा सकती मैं ये, मगर हाँ एक बार आप ट्राई कर सकते हो, इसे सही लगेगा। वैसे आई डोंट नो इसे पेयर किस चीज़ से करते होंगे, मे बी ब्रेड के साथ। नाउ आई ट्राई द चिली बटर नूडल्स और बटर चिली नूडल्स, जो भी नाम था इसका। आई वंडर इन्होंने इसमें सही में बटर डाल दिया होगा क्या, नूडल्स में बटर कौन डालता है, मगर चलो ठीक है एक अलग डिश है ये। और ना इसके अंदर बहुत ही बेसिक वेजीज डले हुए हैं, लाइक कैरेट, कैबेज, अनियन। आपको कुछ एग्जॉटिक वेजीज चाहिए तो आप इन हांगकॉन्ग स्टाइल वेजिटेबल्स में से ले सकते हो। पहले नूडल्स को ऐसे ही ट्राई करूँगी, अच्छे लग रहे हैं। इसके अंदर ना इन्होंने बहुत सारी सोया सॉस डाल रखी है, उससे इतना डीप डार्क कलर आया हुआ है, और थोड़े सॉल्टी भी लग रहे हैं। ड्राई नूडल डिश है ये, स्टर फ्राई करके बना रखा है इन्होंने इसे, और ना बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है नूडल्स इनके, एकदम अलग अलग है, अच्छे लग रहे हैं। नाउ आई ट्राई द हांगकॉन्ग स्टाइल वेजिटेबल, सबसे पहले मैं मशरूम ट्राई करूँगी बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट। वैसे इसके अंदर पॉक चॉय, जुकीनी, बेबी कॉर्न और कैरेट्स भी डले हुए हैं। इस डिश में भी बहुत सारी सोया सॉस डली हुई है, और ना ये थोड़ी टैंगी भी है,
बहुत हल्की सी मीठी है मगर फिर भी चल जाएगा, मतलब इतनी मिठास तो चलती है खाने में। कमेंट करके बताओ आपको ज़्यादा क्या पसंद है, बेबी कॉर्न या फिर मशरूम। मेरा फेवरेट तो डेफिनेटली मशरूम है। अनदर बाइट। नाउ आई वांट ट्राई द फ्राइड राइस, इसे मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, मगर आप इन वेजीज के साथ भी पेयर कर सकते हैं इसे। अच्छे लग रहे हैं फ्राइड राइस भी, क्लम्पी बिल्कुल भी नहीं है, वेजीज एकदम फ्रेश है। फाइनली चॉप बेल पेपर्स डाले हुए इन्होंने इसमें, इसके अंदर तो जिंजर गार्लिक भी नहीं है, ये ना वेजिटेबल पुलाव लग रहा है। आप ना इसे दाल से भी पेयर करोगे तो सही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यार गाइस खाना तो अच्छा है यहाँ पे। नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट विद द इंडियन मेन कोर्स। अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माय वीडियोस बट डू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी गेटिंग मोर सच वीडियोज़।